उदयपुर के कृष्ण मंदिरों में निर्जला एकादशी धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर भर में दिन भर पूजा अर्चना दान पुण्य और भजन कीर्तन का दौर जारी है। कई महिलाओं के साथ ही पुरुषों ने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखे। मंदिरों में ठाकुर जी के समक्ष बीजनी, खजूर के पत्तों वाली पंखिया, जल कलश और आम सहित फलाहारी व्यंजन धराए गए। एकादशी की महाआरती में भी सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर के पुजारी हुकमराज ने बताया कि जगदीश मंदिर में सुबह 5 बजे से ही ठाकुर जी को पंचामृत का स्नान कराकर मंगला आरती की गई। ठाकुर जी को केसरिया वस्त्र धारण कराया गया। सुबह 10 बजे विशेष श्रृंगार के बाद भगवान के दर्शनों का सिलसिला शुरू है, जिसके बाद दोपहर तक मंदिरों में भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती रही। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए रथ समिति, पुजारी परिषद, अन्य समिति और संगठनों के कार्यकर्ता तैनात दिखे। जगदीश मंदिर पर दर्शनार्थियों की भीड़ को देखते हुए इस दिन जगदीश चौक पर सभी वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित रखा गया। दर्शनार्थियों के लिए जगदीश चौक मंदिर परिसर तक टेंट, लाइट, कूलर आदि की विशेष व्यवस्था की गई। इस दौरान पलपल राजस्थान के संवाददाता ने मंदिर में आए दर्शनार्थियों और मंदिर के पुजारी से भी बात की। उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। निर्जला एकादशी के इस महापर्व पर अभी हमें जगदीश मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त यहाँ भगवान जगदीश के दर्शन करने पहुँचे हैं। कहते हैं कि एक ऐसा दिन है जहाँ भक्त भगवान कृष्ण ने पूरा दिन निर्जल रहे थे, न कि पानी का सेवन तक नहीं किया था, पानी तक नहीं पिया था। उस दिन को निर्जल एकादशी के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा कि मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। कहे तो भगवान उस कृष्ण के, उस ठाकुर के, उस जगन्नाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ उमड़ रहे हैं। बिल्कुल कुछ भक्तों से हम बात करेंगे कि किस मनोकामना को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और कितनी खुशी है। पूरे देश में शांति रहे, सब लोग खुश रहे। 2 साल बाद कोरोना के बाद में भगवान के दर्शन बढ़िया हो रहे हैं, तो सबसे भगवान से ये आशा है कि अब आगे भी सब सुख शांति रहे देश में और सब बारिश अच्छी हो उदयपुर में। क्या मनोकामना लेकर पहुँचे हैं भगवान ठाकुर के दरबार में आप? बहुत भीड़ है पर भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए आ गए। और भगवान से मनोकामना है कि सबको सुखी एवं समृद्ध रखें। 2 साल बाद कोरोना था, कोरोना के बाद आज वापस इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है, तो क्या देख के आएंगे, भगवान से क्या मन्नत मांगेंगे? भगवान से मन्नत मांगेंगे बारिश अच्छी और कोरोना वापस नहीं आए। बिल्कुल कुछ और भक्तों से जानेंगे क्या मनोकामना लेकर पहुँचे हैं आप? ये मनोकामना लेकर पहुँचे, कोरोना कभी नहीं आए और हर बार ऐसे दर्शन हमको होते रहे, बहुत खुशी हो रही है 3 साल बाद दर्शन करने आए। थैंक यू। बिल्कुल देखें तो बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ रही है, भगवान ठाकुर के दर्शन करने, उस जगन्नाथ के दर्शन करने जगदीश मंदिर में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। जिस तरह से पिछले साल कोरोना के रहे और भगवान के दर्शन नहीं हो पाए और इस जगन्नाथ रथ यात्रा पर भी इतनी भीड़ नहीं उमड़ी, लेकिन इस निर्जला एकादशी पर इतनी भीड़ उमड़ी है। बिल्कुल कुछ और भक्तों से जानेंगे कि कितनी मन्नतें लेकर पहुंचे हैं और किस तरह सेवा दे रहे हैं भाई साहब। अरे ये जब 2 साल का कोरोना है, जब जगदीश मंदिर में इतनी उमड़ रही है भीड़, ये सब दर्शन के लाभ उठा रहे हैं दर्शन के। और ये बहुत 2 साल का कोरोना का था, ऐसा टूट पड़ी है। बिल्कुल आज भगवान जगन्नाथ को केसरिया और पीले कलर का वेश धारण कराया है और मुकुट धारण किया है। बड़ी संख्या में भक्त उस जगन्नाथ के, उस ठाकुर के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं, के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा भी पूरी तरह से यहाँ भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। कुछ भक्तों से और जानेंगे कि क्या मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह की मन्नतें हैं उनकी। देखें तो पहले मैं दर्शन करा दूंगा एक बार। बिल्कुल आप ठाकुर जी के दर्शन करिए तस्वीरों में, आप बिल्कुल भगवान जगन्नाथ के इस लंबे समय बाद एक बार फिर 3 वर्षों बाद इस निर्जला एकादशी पर बड़ी संख्या में गुणगान हो रहे हैं, भगवान के संगीत यहाँ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान के भजनों से भगवान को किया जा रहा है। कहीं ना कहीं और भक्तों से जानेंगे किस तरह की मन्नत लेकर यहाँ पहुँचे। बिल्कुल देखिए आप, बड़ी खुशी और भगवान के भजनों के साथ यहाँ भक्त नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान से अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए, उस ठाकुर के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ उमड़ रही है। और भक्तों से जानेंगे क्या मन्नत लेकर यहाँ पहुँचे हैं। भगवान की सब कुछ अच्छा रखे, इसलिए आए। बोल शहर ही नहीं, आस पास और पूरे देश विदेश से भी बड़ी संख्या में भक्त भी यहाँ है। आप देखें तो
सीधे एक बार मैं और तस्वीरों में दिखाऊंगा कि मंदिर के अंदर पूरी तरह से मंदिर में भक्त ही भक्त है, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन के लिए उमड़े हैं। वहीं प्रशासन भी भक्तों से दर्शन कराकर फिर वहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। एक तरफ जिस तरह से दो वर्ष कोरोना के रहे थे, कोरोना के बाद से यह निर्जला एकादशी का त्यौहार फिर से आया है और इस बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन के लिए उमड़े हैं। कहीं ना कहीं इस ठाकुर की महिमा अपरंपार है, उस अपरंपार महिमा से भक्त उन ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए, उस ठाकुर के दर्शन करने के लिए, उस भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ उमड़े हैं। एक बार और दिखाऊंगा, देखिए भक्त बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं और भक्तों से जानेंगे कितनी क्या मन्नत देकर पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए। मन्नत करें, भगवान ही पूरी करेंगे हमारी मन्नत। हम तो सब भिखारी है भगवान के दरबार में। जो भी बहुत खुशी है, साल भर में एक बार मौका मिलता है दर्शन का, वो लाभ लेने के बता रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे हैं, अपनी मन्नत को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं उस भगवान जगन्नाथ की उस ठाकुर से वो मन्नत मांगने पहुँचे हैं कि कहीं ना कहीं भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।